हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फेराइट टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फेराइट टेस्टिंग जो है, ये आपका मोस्टली ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इन दोनों में होता है। तो ये दोनों का जो वेल्ड होते हैं, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील एंड डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ये दोनों के वेल्ड में ये फेराइट कंटेंट चेक करने के लिए फेराइट टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आप जो मेजरमेंट करते हैं वो जनरली परसेंटेज में रहता है, बट आप एब्सोल्यूट वैल्यू में भी, मतलब फेराइट का जो नंबर है, फेराइट नंबर, उसमें भी मेजरमेंट ले सकते हैं, बट जनरली ये परसेंटेज में रहता है। ओके, सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में ये फेराइट टेस्ट हम क्यों करते हैं और उसके पीछे का बेसिक्स क्या है, मतलब मशीन किस तरह से वर्क करता है और ये जो पूरा सिस्टम है, राइट, इसमें कैसे किस तरह से वर्क करता है। और अगर मान लीजिए आप ये डुप्लेक्स में और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में फेराइट टेस्ट करते हैं, तो उसका नंबर का रेंज है, मतलब कितने से कितने परसेंटेज के बीच में जनरली फेराइट कंटेंट होना चाहिए, राइट। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो मैंने बनाए हैं, तो इसमें आपको ASME, AWS, API कोड के बहुत सारे वीडियो है। रिसेंटली हम ISO के वीडियो भी बना रहे हैं, ISO स्टैंडर्ड के, तो ये सब वीडियो का एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल NDT के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फेराइट टेस्ट की बात करें, इसको फेराइटोस्कोप टेस्ट ऐसा भी बोलते हैं, फेराइटोस्कोप टेस्ट, राइट, इसका दूसरा नाम इस तरह से है। सो डिटेल में देखेंगे, देखिए, फेराइट टेस्टिंग आल्सो नोन एज फेराइटोस्कोप टेस्ट, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ डेल्टा फेराइट, राइट, डेल्टा फेराइट इन ऑस्टेनिटिक एंड डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। सो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ये इसमें हम ये फेराइट टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो फेराइट कंटेंट मेजरमेंट हम इसमें करते हैं, ये परसेंटेज में जनरली होता है। सो डेल्टा फेराइट है, आप ट्रीटमेंट वगैरह आपने स्टडी किया है, तो उसमें जो डेल्टा फेराइट मिलता है वो हमको मेजरमेंट करना होता है। सो एंश्योरिंग प्रॉपर फेराइट कंटेंट इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग कोरोजन रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग हॉट क्रैकिंग। सो वेल्डिंग के बाद हॉट क्रैकिंग जो रहता है वो ना हो, राइट, उसके लिए हमको ये फेराइट क्रैकिंग चेक करना होता है। इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। जैसे आप स्टेनलेस स्टील क्यों यूज करते हैं, कार्बन स्टील की जगह ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील या डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि अपने को कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा चाहिए, राइट। सो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम ये करते हैं, तो फेराइट कंटेंट जो है सही से है, मतलब रेंज में है, तो अपने को कोरोजन रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है ये कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, बट इसमें से ये कि फेराइट कंटेंट भी है, राइट। सो ये सब रीजन है, इस तरह का मशीन आपको मिलेगा, सिंपल एकदम मशीन होता है, राइट, जैसे थिकनेस मेजरमेंट आप करते हैं ना, वैसा ही इस टाइप का ये प्रोब रहेगा। सो आपको प्रोब रखना है और आपको ये रीडिंग मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 55.9 रीडिंग दिख रहा है। ओके, बहुत इजी प्रोब, इजी सेटअप होता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, राइट। सो एक दो बार आप मशीन देखोगे और हाथ से ये करते हो तो काफी इजी हो जाता है ये करना। सो देखिए, फेराइट कंटेंट अफेक्ट सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो जनरली हम इसमें जब भी फेराइट कंटेंट चेक करते हैं, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का एक्चुअली चार टाइप होता है, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मार्टेस्टिक स्टेनलेस स्टील, राइट, और एक फेरिटिक स्टेनलेस स्टील करके आता है, राइट। बट जब भी आप
यहाँ पे फेराइट कंटेंट चेक करने वाले हैं, तो उसमें जनरली हम ये दोनों जो ऑस्टन स्टेनलेस स्टील है और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, उसमें हम ये फेराइट कंटेंट चेक करते हैं। सो फाइनली आपकी प्रोसीजर के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो मान लीजिए फॉर ऑस्टन स्टेनलेस स्टील फेराइट कंटेंट इन्फ्लुएंस कोरोजन रेजिस्टेंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड वेल्डेबिलिटी। सो ऑस्टन स्टेनलेस स्टील के केस में फेराइट कंटेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, राइट, मतलब कम या ज्यादा होगा तो कोरोजन रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी मतलब कि आप कोई भी पार्ट है जो मटेरियल का बना हुआ है उसको कितना इजीली वेल्ड कर सकते हैं विदाउट क्रैकिंग और विदाउट एनी अदर इन्फ्लुएंस, राइट, मतलब कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम ना हो ऐसे आपको वेल्ड करना है, राइट, जो उसको वेल्डेबिलिटी बोला जाता है। वेल्डेबिलिटी अच्छा है, इसका मीनिंग ये है कि आप उसको डायरेक्टली वेल्डिंग करके ज्वाइन करना है तो इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ये फेराइट कंटेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील की बात करें, फेराइट कंटेंट इंपैक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो डुप्लेक्स के केस में ये कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, राइट, फेराइट कंटेंट। सो अभी देखिए इस तरह का मशीन होता है, राइट, इसमें ये जो है ना कैलिब्रेशन के अलग अलग सैंपल दिए हुए हैं, राइट, इसमें ये एक सैंपल है, ये दूसरा तीसरा, इस तरह से अलग अलग सैंपल होते हैं, राइट, इस तरह का मशीन है और ये इसका प्रोब है और ये सैंपल जो है कैलिब्रेशन के लिए, इसमें इसका फेराइट का कंटेंट अलग अलग होता है, जिसके इसका अलग है इसका अलग है, तो कैलिब्रेशन करने के टाइम आपको मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों कंसीडर करना होता है, राइट, सेम जैसे हम थिकनेस मेजरमेंट कैसे लेते हैं वैसे थिकनेस मेजरमेंट में हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। सो देखिए स्टेप ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे पोजीशन द प्रोब ऑफ द फेरिटोस्कोप ऑन टू द सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील सैंपल आफ्टर कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन के बाद आपको प्रोब जो है रखना है जो सरफेस है जहाँ पे आपको फेराइट कंटेंट लेना है। सो जनरली देखिए फेराइट टेस्ट है ना वो आपको जनरली हम कहाँ पे करते हैं, एक वेल्ड में करते हैं, वेल्ड के ऊपर, और उसके अलावा आपने ओवरले किया हुआ है, वेल्ड ओवरले जो बोलते हैं ना, राइट, सो वेल्ड ओवरले में भी ये फेराइट टेस्ट किया जाता है। तो जहां पे भी आपको लेना है वहां पे प्रोब रखना है कैलिब्रेशन के बाद। प्रेस द मेजरमेंट बटन टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल। तो इसमें होता क्या है कि आप मेजरमेंट बटन प्रेस करोगे, राइट, उसके बाद क्या होगा, प्रोब में इस तरह से होता है, देखिए ये एक्साइटर करंट, मतलब कि यहाँ पे प्रोब में इस तरह से करंट पास होगा इस तरह से ये डायरेक्शन में, राइट। सो करंट पास होगा तो इसमें ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ब्लू कलर से दिखाया है, राइट, सो करंट के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एमपीटी में भी आपने पढ़ाई किया है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, उसमें भी आपने देखा होगा। सो करंट जो है उसके परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, फाइनली ये आपका पार्ट है, राइट, सो पार्ट में जाएगा, मतलब पार्ट में अंदर की साइड जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ भी फेराइट कंटेंट है, राइट, या कहीं पे कम है ज्यादा है, सो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ये जो है मेजरमेंट सिग्नल है, मतलब कि अलग से यहाँ पे दूसरा कॉइल होगा और वहां से आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा, मतलब वो सिग्नल जो है वोल्टेज में कन्वर्ट होगा और आपको फाइनली रीडिंग दिखाएगा, जैसे 5% है या 6% है 7% है जो भी, ओके। सो ये सिग्नल जो है ये आपको वोल्टेज में सिग्नल फाइनली मिलेगा, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बेसिस पे आपको सिग्नल मिलेगा, तो कितना कम है कितना ज्यादा है, और ये सिग्नल जो है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, वोल्ट में कन्वर्ट होगा और आपको फाइनल रीडिंग मशीन में दिखाई देगा। सो देखिए अब जब भी मेजरमेंट बटन प्रेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद द फेराइट कंटेंट इन द सैंपल इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग वोल्टेज इन द सेकंड कॉइल, राइट। सो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, वो पार्ट में जो फेराइट कंटेंट है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा,
राइट, मतलब फेराइट कंटेंट ज्यादा है, फेराइट कंटेंट कम है, उसके बेसिस पे वो इंटरेक्शन होगा, और उसके बेसिस पे ही ये दूसरा जो कॉइल है, मतलब कि ये जो कॉइल दिखाया हुआ है, राइट, वहां पे आपको वोल्टेज मिलेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, सो फाइनली फेरेटोस्कोप इवेल्युएट्स दिस वोल्टेज टू डिटरमाइन द फेराइट कंटेंट डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, राइट। सो यहाँ पे ये वोल्टेज को इवेल्युएट करके फाइनली मशीन आपको ये रीडिंग दिखाएगा और डिस्प्ले में दिखाएगा कि कितना रीडिंग है, परसेंटेज में या एब्सोल्यूट नंबर में भी ये हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे जनरली रेंज कितना होता है, जैसे आइडियल फेराइट कंटेंट वेरीज बट फॉर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील इट शुड बी बिटवीन 4% to 8%, राइट। ये नंबर थोड़ा सा याद रखिए, आप क्यूए क्यूसी वगैरह में काम करते हैं तो इंस्पेक्शन फील्ड में इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाता है। सो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में जनरली ये 4% to 8% के बीच में होना चाहिए, आफ्टर वेल्डिंग आप ये चेक करते हैं या ओवरले के बाद चेक किया जाता है। फॉर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इट शुड रेंज फ्रॉम 35% to 65%, राइट। सो डुप्लेक्स के लिए 35 से 65, बट विथ 50% बीइंग ऑप्टिमल, मतलब 50% जो है ये ऑप्टिमल है, राइट। ये 50% है तो सबसे अच्छा है, ऐसा आप बोल सकते हैं डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के केस में। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील 4 to 8 एंड डुप्लेक्स 35 to 65%, ये वैल्यूज है, राइट। सो इस तरह से ये काम करता है पूरा फेराइट टेस्ट, काफी इजी है, राइट। बट इसके जो मशीन्स वगैरह है काफी महंगे मिलते हैं कंपेयर टू अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज एंड ऑल दिस। ओके, बिकॉज फेराइट टेस्ट है जनरली जब भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे ये किया जाता है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।